दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले भोजपुरी की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में, जिसको रिलीज होने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की दशा और दिशा दोनों बदल गई। आज हम इसी के ऊपर पूरी तरह से बताने वाले हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन 10 फिल्म है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाई थी, और उस फिल्म में कितने रुपए लगाए गए थे, और वह कब फिल्म रिलीज किया गया था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लिस्ट के नंबर 10 पे आते हैं खेसारी लाल यादव की फिल्म फरिश्ता, जिसके स्टार कास्ट में खेसारी लाल यादव, मेघा श्री और इस फिल्म के डायरेक्टर है लाल बाबू पंडित। इस फिल्म की लागत की बात करें तो इस फिल्म में 2 करोड़ रुपए लगाए गए थे, और इस फिल्म को 2023 में रिलीज किया गया था, और यह फिल्म काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रहा। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव को पागल के रोल में दिखाए गए हैं, जिसे लोग काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 9 पे आते हैं देवरा बारा सतावेला। इस फिल्म के स्टार कास्ट में पवन सिंह, रवि किशन, चिंटू पांडे और मोनालिसा। इस फिल्म की डायरेक्टर है राजकुमार आर पांडे। इस फिल्म को 2013 में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब हमारे लिस्ट के नंबर 8 पे आने वाली फिल्म का नाम है पंडित जी बताई न बियाह कब हुई, जिसके स्टार कास्ट में है रवि किशन और नगमा। इस फिल्म को नगमा एवं रवि किशन के लव स्टोरी के ऊपर बनाई गई है, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किए। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन प्रसाद। इस फिल्म को 2005 में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब हमारे लिस्ट के नंबर 7 पे आने वाली फिल्म का नाम है मेहंदी लगा के रखना, जिसमें स्टार कास्ट में है खेसारी लाल यादव और काजल रघवानी। यह फिल्म एक लव स्टोरी फिल्म है जो खेसारी लाल यादव एवं काजल रघवानी के बीच दिखाया गया है, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किए, और इसी फिल्म से खेसारी लाल एवं काजल रघवानी की जोड़ी काफी ज्यादा हिट होने लगा। मेहंदी लगा के रखना फिल्म का डायरेक्टर है रजनीश मिश्रा, और यह फिल्म 2017 में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म में 2 करोड़ रुपए लगाए गए थे। इस फिल्म ने 14 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उसके बाद इस फिल्म का पार्ट 2 एवं पार्ट 3 भी बनाई गई। अब हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे आने वाली फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी, जिस फिल्म के स्टार कास्ट में है दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे। यह फिल्म लव स्टोरी, कॉमेडी एवं पारिवारिक फिल्म बनाई गई है, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। फिल्म के डायरेक्टर थे सतीश जैन, और इस फिल्म को रिलीज 2014 में किया गया था। इस फिल्म में भी 2 करोड़ रुपए के लगभग लगाए गए थे, और इस फिल्म ने 14 करोड़ रुपए कमाई थी। अब हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे आने वाली फिल्म का नाम है क्रेक फाइटर, जिसके डायरेक्टर है सुजीत कुमार सिंह, और स्टार कास्ट में पवन सिंह और संजीता बनर्जी, और साउथ के बहुत ही फेमस विलन प्रदीप रावत। इस फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म ने 17 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और इस फिल्म की लागत 3 से 5 करोड़ रुपए के बीच रखा गया था। अब हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे आने वाली फिल्म का नाम है बॉर्डर। इस फिल्म के डायरेक्टर संतोष मिश्रा है, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में है निरहुआ, अम्रपाली दुबे और परवेश लाल यादव। इस फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म की लागत थी 3 करोड़ रुपए, और इस फिल्म ने 19 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे आने वाली फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा। इस फिल्म के डायरेक्टर सुशील कुमार उपाध्याय है, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में निरहुआ, पवन सिंह और पाखी हेगड़े। इस फिल्म को 2008 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की लागत मात्र 78 करोड़ रुपए थी, और इस फिल्म ने 22 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे आने वाली फिल्म का नाम है गंगा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अभिषेक चड्ढा, और इस फिल्म के स्टार कास्ट में है रवि किशन, मनोज तिवारी, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी और नगमा। इस फिल्म को 2006 में रिलीज किया गया था, और यह फिल्म ने 35 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे आने वाली फिल्म का नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला। इस फिल्म के स्टार कास्ट में है मनोज तिवारी और रानी चटर्जी, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अजय सिन्हा। इस फिल्म को 2003 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की लागत की बात करें तो इस फिल्म में 30 लाख रुपए लगाए गए थे, और इस फिल्म की कमाई हुई थी 36 करोड़ रुपए, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई भोजपुरी फिल्म नहीं तोड़ पाई है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का पार्ट 2 भी बनाया गया, लेकिन उसका कमाई एवरेज ही रह गया। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको 10 में से कौन सा फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है उसे भी कमेंट जरूर करें। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।